हेलो गाइज, कैसे हो? हमारे पास में जो है एक बजाज का इंडक्शन रिपेयर होने के लिए आया है, तो इसमें दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है। मैं इसका प्लग लगा लेता हूँ। तो देखो ऑन हो गए, तो दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ से इसका स्विच ऑन करता हूँ, ये देखो ऑन हुआ है और फिर ऑटोमेटिक एकदम से ऑफ हो गया। यहाँ से ऑन करूँगा इसको, फिर ऑफ हो जाएगा। देखो ऑन करूँगा फिर ऑफ हो जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम है कि ऑन ऑफ हो रहा है। इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसकी पेंच खोल लेते हैं। पेंच खोलने के लिए हमें जो रबड़ लगी हुई है, रबड़ निकालनी पड़ेगी। इसके नीचे पेंच लगे हुए होते हैं, देखो आराम से निकल जाती है रबड़। में चार पेंच लगे होते हैं। तो ये खुल चुका है, बस इसको खोलते हैं। मैं साइड में जो है पिंच के फंसा लेते हैं। पिंच के से आराम से खुल जाएगा। यहाँ पे पैसे उठाएंगे, इसमें लॉक होते हैं। खुल गया है। पैनल को साइड में रख देते हैं। इसके कोयल खोलेंगे इसकी। देखो पेंच मैंने इसके खोल लिए। इसकी कोयल उठाते हैं ऊपर। इसमें देखो ये प्रॉब्लम है, आपको दिखा भी देता हूँ। ये इसका ये जला हुआ है, तो ये इसी की वजह से ऑन ऑफ हो रहा है। ये हीट हो गया जो है, जल चुका है। इसका टाका अंदर से छूट गया। अब इसकी कोयल खोलते हैं, क्योंकि इसका टाका लगाने के लिए जो है, अगर आप लगाओगे भी तो फिर गर्म हो जाएगा, फिर हट जाएगा। हम आपको उसका दिखाते हैं क्या जुगाड़ होना है। इसमें असली जुगाड़ कर देंगे जिससे जलेगा नहीं वायर। फिर मैं अच्छा वाला काम करके देंगे कस्टमर को। ये जलेगी नहीं फिर वायर, नहीं तो बार बार जलती रहेगी। बोर्ड बाहर निकाल लेते हैं। पेंच हमने खोल लिया, इसके जैक भी निकाल देना आपको, तो आराम से इसको बाहर निकालेंगे। ये देखो यहाँ से पूरा जल चुका है, आपको दिख भी रहा होगा। देखो यहाँ से ये पहले भी इसमें काम किया हुआ है। देखो इसमें टाँका लगा रखा है, पहले भी किसी ने काम किया है इसमें। इसके बाद भी फिर भी जल गया है। तो अब इसमें जो है, देखो ये एल्युमिनियम की वायर होती है इसमें, तो इसमें टाका तो लगता नहीं है। टाका में इसी में लगाना पड़ेगा। इसमें टाका लगाने के लिए क्या करना होगा? मैं सबसे पहले तो हम इसको जो है, ये जो है इसका थिम्बल है, थिम्बल को हम बीचेंगे प्लास से, क्योंकि प्लास से बीचने से क्या होगा, जो उसकी वायर लूज होगी वो टाइट हो जाएगी, तो गर्म नहीं होगा फिर ये चलने से। तो देखो हम इसको जो है आराम से, बहुत ज़्यादा नहीं बीचना कि जिससे आप थिम्बल ही काट दो, इतना ज़्यादा नहीं बीचना इसको। आराम आराम से इसमें कई जगह से बीचेंगे, हल्का हल्का इसको। उससे क्या होगा कि जो लूज हो रहा है तो वो टाइट हो जाएगा अच्छे से। देखो इसमें दिख रहे होंगे आपको कट बने हुए दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर इसमें बहुत ज़्यादा जोर लगा दोगे तो ये कट जाएगा, फिर अलग ही हो जाएगा। तो हम इसको जो है रेती की मदद से घिसेंगे, ये फिर सोल्डर हो जाए आराम से। ये हमारे पास में रेती है, तो इसको जो है यहाँ से घिसेंगे हम। देखो नीचे की साइड से, देखो आपको दिखा भी रहा हूँ, इसको यहाँ से घिसेंगे जिससे उसको सोल्डर हो जाए आराम से। ये तो आपके पास में पेपर होगा, पेपर से भी आप इसको घिस सकते हो, जो रेक मार जिसको बोलते हैं, आप उससे भी इसको घिस सकते हैं। क्योंकि मेरे पास में ये रेती है, तो रेती से अच्छा एकदम से घिसा जाएगा। बहुत सी जगह इसको कई नाम से बुलाते हैं, हमारे यहाँ तो इसको रेती बोलते हैं, बहुत सी फाइल भी बोलते हैं इसको। तो देखिए इसमें इसे जो है घिस चुका है, जो आपको दिख भी रहा होगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सोल्डर करते हैं। मैं ऊपर से सोल्डर लगा लेंगे। देखो यहाँ से हम इसमें सोल्डर लगाएंगे आराम से, इस पर सोल्डर, क्योंकि इस पर क्या कार्बन आ रहा था तो ये सोल्डर ना पकड़ता। अब देखो इसमें सोल्डर लगा दिया हमने, और इसको जो है यहाँ से वायर को इसको हटा लेंगे।
टांके किसी ने पहले भी लगा रखे हैं इसमें, हम भी इसी वाली वायर पे इसमें टांके लगाएंगे, जैसे था वैसे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हम ना भींचते हैं यहाँ से तो इसमें क्या होता है, बार बार जलता रहता, ये जल क्यों रहा है, ये लूज है, ये जब गर्म होता है तो नीचे तभी जलता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो फिर ये जल जाता है। अब हम इसमें जो है ये वायर जो थी इसी को सोल्डर करेंगे, इधर कर देते हैं इसको, देखो आपको दिख रहा है शायद, देखो ये वाली जो पिन है ये पीछे की साइड से बाहर आ चुकी है अंदर, इधर की साइड, तो हम इसी को इधर लाएंगे, इसी के पास में इसी को यहाँ पे सोल्डर करेंगे। हमें जो उस पर ये सोल्डर वायर ले लेता हूँ ये, तो इस वजह से सोल्डरिंग करेंगे जिससे कि जल्दी से जले ना। देखो आपको दिख रहा है मैंने छः सोल्डर कर दिया इस पर, ठीक है। तो अब इसको चलाते हैं और देखते हैं अब ये ऑन ऑफ होता है कि नहीं। इसका बोर्ड भी वहीं पे लगा लेते हैं, वो फिट ही कर लेते हैं अब इसको, इसी में लगा लेते हैं बोर्ड को आराम से। जो है आपको उसमें पहले इधर की साइड फंसा लेना है, क्योंकि पीछे की साइड फंसाओगे आराम से आ जाता है, आपको जो है इसको आराम से फंसा लेना है। बैठ चुका है यहाँ पे, अब मैं इसके पेंच भी लगा लेता हूँ। तो एक पेंच इसमें यहाँ पे लगाएंगे हीट सिंक पे, इसमें एक ही पेंच होता है लगा हुआ हीट सिंक पे बस, ये और पेंच नहीं होते इसमें लगे हुए, बोर्ड में एक ही पेंच होता है बस। अभी वाला पेंच, अभी ये इसका सेंसर का वायर लगा लेते हैं कनेक्टर, इसको सेंसर का कनेक्टर लगा के, और फिर ये फैन का है, फैन का भी लगा लेना आपको कोयल लगाने से पहले, नहीं तो उसमें ये नीचे आ जाएगा तो हाथ नहीं जाएगा। कोयल को भी लगा लेते हैं इसमें, अब इसको भी लगा लेते हैं इसके, इसमें ये भी देखो आपको कैसे लगाना है, ऐसे लगेगा और इसमें आराम से फंसाएंगे तो ये फंस गया। और अब पैनल का कनेक्टर लगा लेते हैं इसमें, पैनल का कनेक्टर भी लग चुका है, अब इसको चला के देखते हैं चेक करके अब ऑन ऑफ होता है कि नहीं है। अब देखो इसमें ये जो है इसमें बजर की आवाज़ आ रही है, अभी बर्तन सेंस कर रहा है, ठीक। अभी आपको दिखा भी देते हैं, देखो इसमें खद्दा लग जाएगा, अभी फुल पे कर लेते हैं, देखो आपको दिख भी रहा होगा पानी में से स्टीम बनने लगी, पानी गर्म हो चुका है। तो देखो पानी जो है गर्म हो चुका है, अब जो है ये ऑन ऑफ नहीं हो रहा, गाइस इंडक्शन रिपेयर हो चुका है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी, हम हर तरीके की वीडियो बनाते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि जब भी हम वीडियो डालें आपको मिल जाए, और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मेरा जो है फेसबुक पे भी चैनल है, तो आप मुझे वहाँ जाके फॉलो जरूर करें, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का लिंक मैं दोनों का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। तो लास्ट तक वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू।